नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ब्रॉडकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। आज के दिन की बात करें, आज के दिन एक बार फिर से हमें शेयर में लोअर सर्किट देखने मिल चुका है। दोस्तों इस शेयर का पिछले वन मंथ का चार्ट ओपन करूँ, शेयर ने 18% की गिरावट, उसी के साथ सिक्स मंथ का चार्ट ओपन करूँ, शेयर में नीचे जाता हुआ देखने मिलता जा रहा है। दोस्तों इस शेयर से जुड़ी हुई मैं टाइम टू टाइम अपडेट लेकर आता रहता हूँ, जिसमें कंपनी से जुड़े हुए 3 से 4 करोड़ के मामले देखने को मिले। कंपनी की मैनेजमेंट भी इसमें शामिल होती हुई देखने को मिली है, जिसके बाद सेबी के कड़े कानून के बाद CFO को भी इस कंपनी से निकाल दिया गया था। उसी के साथ और भी बड़े बड़े फ्रॉड देखने को मिले। टाइम टू टाइम इस शेयर से जुड़ी हुई अपडेट लेकर आता रहता था और कंपनी हमें नीचे जाती हुई देखने मिलती गई। लेकिन दोस्तों जब मैं 18 रुपए के आसपास इस शेयर को लेके आया था, इस शेयर की न्यूज लेके आया था, तब मैंने इस शेयर पे जुड़े हुए कमेंट पढ़े थे। काफी लोगों ने इस शेयर को बाय करके रखा था, उनको पूरी उम्मीद है इतने फ्रॉड के मामले के बाद भी शेयर आने वाले समय का अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ देखने मिलेगा। तब भी मैंने बोला था शेयर को अगर बाय करना था छोटा सा अमाउंट 200-300 रुपए लगाना है, ताकि आने वाले समय आप इस शेयर से लॉस ना ले पाए। और आज के दिन की बात कर सकते हैं, उस शेयर पे 3 से 4 महीने पहले वीडियो लेके आया था, उसके बाद भी शेयर में नीचे जाता हुआ देखने मिल चुका है। अभी की बात करें तो सीधा आपको लेकर चलता हूँ उसकी न्यूज पे, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बताया गया है कि ₹100 से टूटकर ₹12 पर आया यह शेयर, अब 14 जून को बंद हो जाएगी ट्रेडिंग। फटाफट शेयर बेच निकल रहे निवेशक। दोस्तों इस शेयर पे साफ साफ बताया गया है कि 14 जून को इस शेयर की ट्रेडिंग बंद होती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि शेयर मार्केट में ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सेबी की और NSE ने यहाँ पे पूरी पूरी जानकारी दी है कि ट्रेडिंग सस्पेंड करने की सबसे बड़ा कारण क्या है। तो सीधा आपको ले चलता है उसकी न्यूज पे, जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बताया गया है कि यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कंपनी मास्टर सर्कुलर का पालन नहीं करती। दोस्तों कंपनी ने कई नियमों का पालन नहीं किया था, जिसके बाद हमें इस शेयर की अब ट्रेडिंग बंद होती हुई देखने मिलेगी और आने वाले समय ये ट्रेडिंग चालू होती हुई देखने मिलेगी जब कंपनी एक अच्छा सा अनुपालन करती हुई देखने मिलेगी, अपने नियमों का पालन करती हुई देखने मिलेगी। साफ साफ NSE ने यही कहा है, जो कि आने वाले समय आपको इस शेयर की ट्रेडिंग चालू होती हुई देखने मिल सकती है। लेकिन अभी की बात करें, अभी के टाइम पे कंपनी जुड़ी बहुत ही बुरी न्यूज देखने मिली है। पहले लगातार फ्रॉड, उसके बाद अब कंपनी की ट्रेडिंग भी निलंबित होती हुई देखने मिली है, जो कि एक बुरी बात देखने को सामने आती है। तो मैं चाहते थे यही बोलूंगा कि अगर आपके पास शेयर है तो आप इस शेयर को एग्जिट करके निकल सकते हैं। मैंने टाइम से पहले बोला था कि अगर आप इस शेयर को बाय करना चाहते हो 200-300 रुपए लगाइएगा, ताकि अगर लॉस पड़े तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। और अभी की बात करें तो कंपनी की ट्रेडिंग भी सस्पेंड होती हुई देखने को मिली है, और अभी भी काफी लोग इसमें एग्जिट करना चाहते हैं, लेकिन लोअर सर्किट के बाद अब ये शेयर एग्जिट नहीं होगा, जो कि एक और बुरी बात देखने को सामने आती है। अच्छा, आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस शेयर की अपडेट अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो इस वीडियो पर लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।